आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से काफी साल पुरानी है, जब मैंने काफी मशक्कत करके एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकेंड हैंड जरूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज़्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज़्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफ़ी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफ़ी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतज़ार में डटा रहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफी बेहतर हैं, जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूंगा मगर 50 रुपए लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब मेरे पास सिर्फ 40 रुपए ही हैं। 40 रुपए कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफ़र था, जहाँ जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफ़र ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया, जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफ़ी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफ़ी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज़्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि
कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे, और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे, और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा। मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख दो दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया, पूछने पर पता चला दो तीन लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले दो भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे,
तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।